हेलो दोस्तों, हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, धान कटाई अब चालू हो गया है और कल से हम लोग भी धान कटाई चालू स्टार्ट करने करेंगे। वाले हैं। तो उससे पहले ये जो हंसुआ है जिससे हम लोग धान काटते हैं, इसको सुधरवाना है। और अभी जा रहे हैं हम लोग लोहार के पास, इसमें दांता कटवाने। और कैथलिन के साथ कैथलिन के जाएंगे। साथ मैं कुछ काम करते रहूंगी। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलो। ठीक, बाय कैथलीन। हाँ, चल चल जाओ चल। जाओ जाओ, डिस्टर्ब करती। बाय हाँ, बाय। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you. दोस्तों, हम लोग घर से निकल गए हैं और आधे रास्ते पे हैं। और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये दो गांव में डिवाइड करता है। इधर देखिए, ये हमारा गांव है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो इधर, ये दूसरे गांव है। हमारे गांव में लोहार नहीं है तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है, कुछ भी काम पड़ता है, लोहा संबंधित कुछ भी काम करवाना रहता है। तो अभी हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं और ये जो देख रहे हैं पीछे से, ये रास्ता है, इसमें हमें जाना पड़ेगा। तो चले कैथलीन, चले चलो। दोस्तों, अभी हम लोग लोहार के पास पहुंच गए हैं, आपको दिखा रहे हैं सामने कैमरे से। ये देखिए इधर और इधर, ये लेडीज ये पंखा घुमा रही है, यहाँ से हवा जाती है और वहाँ ये जो भी लोहा रहता है उसको रखते हैं, और यहाँ पे कोयला को रख के उसको गर्म किया जाता है। अभी धान कटाई का सीजन है तो देखिए कितना सारा हंसुआ बनवाने लाए हैं, काफ़ी सारा है यहाँ। 1 2 3 5 6 6 दिखाई दे रहे हैं यहाँ, 6 7 हो गया। क्या कर रहे हैं भैया? उसको क्या कर रहे हैं? उसको पनियार हैं। इससे क्या होता है? अच्छा अच्छा हाँ। दोस्तों बता रहे हैं कि इसको पनियार हैं और ये जैसे नरम होने के बाद वो कड़ा हो जाता है, मतलब टूटता नहीं है। और ये देखिए यहाँ से कितना सारा अंगूर निकल रहा है। और ये देखिए ऊपर जो जंक लगा था उसको रगड़ के निकाल दे रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारा हसुआ का काम हो रहा है। इधर देखिए, उसको दांता काटने से पहले उसकी मरम्मत कर रहे हैं। दोस्तों, दांता काटने से पहले ये देखिए, पहले जो दांता था उसको प्लेन कर रहे हैं। अभी ये भाई साहब हंसुओं में दांता काटना चालू कर दिए हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये भाई साहब यहाँ पर बैठ के ये जो पंखा है इसको घुमा रहे हैं और यहाँ से हवा उत्पन्न होके इधर जा रहा है। यहाँ कोयला लगा है और यहीं पर लोहा है, ये गर्म होती है भी। दोस्तों, हम लोग का काम हो गया है, ये देखिए तैयार हो गया और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। ना कहते हैं दोस्तों, अभी हम लोग अपने मूंगफली के खेत आए हैं। ये देखिए, हम लोग इसको पिछले 3 दिन से इसको कोड़ रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये देखिए इधर का कोड़ दिए हैं और इधर बाकी है, थोड़ा जगह बाकी है। ज़मीन पूरा सख्त हो गया है क्योंकि बारिश छोड़ने के बाद पूरा सूख गया, इसलिए इसको कोड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। थोड़ा बाकी है, आज इसको ख़त्म करके ही जाएंगे। अगर बच भी जाता है तो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और ये देखिए कैथलीन अनिसमा इधर उठा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
ग्रेसी के पापा कोड़ रहे हैं। इतना दिन, दो तीन दिन मैं अकेली कोड़ी, पूरा हाथ पैर पीठ दर्द करने लगा। अब ग्रेसी के पापा को लेके आई हूँ मैं, खा खा के मोटा गए हैं ना थोड़ा। बहुत सख्त है दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ, मैं इतना मेहनत करी, पूरा दिन भर में एक ही बाल्टी लेके जाती थी, बाल्टी भी नहीं भर पाता था इस बाल्टी से। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी इतना सख्त है कि पूरा फावड़ा ही ये थोथा गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी इतना सख्त हो गया है कि ये पूरा फावड़ा ही ये पूरा मुड़ गया इसका नोक। ये देखिए इतना सख्त मिट्टी है, हो गया। मालूम कोड़ने का मन नहीं कर रहा, कोड़ने का मन क्या नहीं करेगा, देखो ना फावड़ा को तो देखो कैसे दिख रहा है, इससे मैं कैसे कोड़ू है। थोड़ा बच गया है दोस्तों, उसको दूसरे दिन आके कोड़ के ले जाएंगे, आज नहीं कोड़ा पाएगा। तो थोड़ा कोड़ दिया हूँ उसको, अभी अनिश्मा उठा रही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से। हम लोग सोचे थे कि आज पूरा इसको कोड़ के उठा के ही लेके जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अगर यह ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। चल रहे कैथलीन, चल चल, इतना ही काम कर।